के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा सप्ताह के अंतर्गत भाजपाइयों ने किया रक्तदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन, कहा रक्तदान है महादान। जटाशंकर स्थित श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना, कहा आदि शिल्पी के रूप में विद्यमान है भगवान विश्वकर्मा। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 50वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 5वीं पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा, उनके चित्र पर किया गया पुष्प अर्पित। अतिथियों ने कहा धर्म को राजनीति से जोड़कर दोनों संतों ने दिया देश के विकास को नई दिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने फीता काटकर किया उद्घाटन। प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनके दीर्घायु होने की कामना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, सुनी फरियादियों की फरियाद, संबंधित अधिकारियों को दिया निस्तारण का आदेश। अधिवक्ताओं ने एक्सीडेंटल क्लेम कोर्ट सहित अन्य कोर्ट को दीवानी न्यायालय से शहर के विभिन्न क्षेत्रों से भेजे जाने के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। अम्बेडकर चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर आवागमन किया बाधित, जताया विरोध। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत स्वच्छता पखवाड़ा के तहत पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने मंगलवार को गोरखपुर जंक्शन स्टेशन पर रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने की दिलाई शपथ। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक, व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में सदर तहसील के सभागार में संपन्न हुआ संपूर्ण तहसील समाधान दिवस, सुनी गई फरियादियों की फरियाद, किया गया समस्याओं का निस्तारण। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर 12 सूत्रीय मांग को लेकर लेखपालों ने सदर तहसील में दिया धरना, अपनी मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग। और जिला फुटबॉल लीग के अंतिम लीग मैच में टाउन बांसगांव ने टाउन पीपीगंज को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह।